हिंदी सिनेमा जगत में छोटी सी उम्र में खूब सफलता हासिल करने वाली अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी ने 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में अपने कदम रखे थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों को अपनी एक्टिंग का कायल बनाया था बल्कि कई अवार्ड्स भी जीते थे। इनका स्टारडम दिनों दिन चढ़ता चला गया और इन्होंने खूब सफलता हासिल की और छोटी सी उम्र में इन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है और ये 80 के दशक में अपने टैलेंट के दम पर टॉप हीरोइनों में शुमार हो गई थीं। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी बेटी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही इस दमदार एक्ट्रेस के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई में हुआ था, इसलिए इनकी सारी पढ़ाई यहीं पर पूरी हुई थी। लेकिन अगर बात करें इनके फिल्मी करियर की, तो इन्होंने साल 1976 में फिल्म जिंदगी में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और इस फिल्म के साथ अपने करियर की शुरुआत की, पर इस उम्र में भी इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया था और लोगों से खूब सराहना हासिल की थी। इस फिल्म के बाद इन्होंने बहुत सी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और खूब सराहना हासिल की। इसके बाद साल 1981 में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता में पहली बार बतौर मुख्य अभिनेत्री इन्होंने काम किया। इस फिल्म में इन्होंने काफी अच्छे से अपने किरदार को निभाया था, जिसे देखकर कई और निर्माता प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दिए और इन्होंने बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें जमाने को दिखता नहीं, गहराई, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रेम रोग, विधाता और स्टार जैसी कई हिट फिल्में शामिल है। इन फिल्मों को करने के बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया और खूब सफलता हासिल की। वर्तमान में भी इन्होंने अपने अभिनय करियर को जारी रखा हुआ है और हाल ही में आई फिल्म पानीपत में ये गोपिका बाई का किरदार निभाते हुए नजर आई हैं। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अदाकारा की बेटी के बारे में, तो आपको बता दें कि इनकी अपनी तो कोई बेटी नहीं है, पर ये अपनी बहन की बेटी को ही अपनी बेटी मानती है, जिनका नाम श्रद्धा कपूर है। ये उनसे बहुत प्यार करती है और अपना काफी कीमती समय उनके साथ बिताती है और उनके प्यार को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों असल में माँ बेटी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रद्धा वर्तमान में एक सफल अभिनेत्री मानी जाती है और आज ये जिस मुकाम पर है वहाँ तक आने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में 3 पत्ती से की थी और अपनी पहली ही फिल्म में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके इन्होंने सफलता हासिल की थी। इसके बाद इन्होंने लव का दी एंड, आशिकी 2, गोरी तेरे प्यार में, एक विलन और हैदर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, आपको श्रद्धा कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरी में से किसका अभिनय सबसे बेहतरीन लगता है, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।